हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 7:30 और अभी व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया आज। क्या हो गया था, पहले वर्कआउट किया सुबह, तो व्लॉग स्टार्ट करना हो ही नहीं रहा आजकल। पता नहीं, बिजी इतना शेड्यूल हो गया है सुबह का कि ये सुबह ड्यूटी जाते हैं, बहुत सुबह जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी जाते हैं, तो इनके लिए टिफिन वगैरह बनाना पड़ता है, तो उस टाइम तो मेरा बिल्कुल शूट करना नहीं होता है क्योंकि रात को एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद अपलोड करती हूँ वीडियो, बहुत लेट हो जाता है मुझे। उसके बाद ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सुबह सो जाओ, बट सोने के लिए नहीं मिल रहा है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि सोने के लिए मिल रहा था क्योंकि इनकी ड्यूटी सुबह नहीं थी, थोड़ा लेट जाते थे, अभी बहुत जल्दी ड्यूटी जा रहा है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि बिल्कुल सुबह हो नहीं रहा है मेरा कुछ भी। तो थोड़ी देर आराम कर रही हूँ फिर दोपहर में, तो उसके बाद तो फिर शाम को वर्कआउट कर रहे हैं। शाम को वर्कआउट होने के बाद कभी कभी वर्कआउट से पहले स्टार्ट कर देती हूँ व्लॉग, बट आज वर्कआउट से पहले भी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी वर्कआउट फिनिश किया है, मैंने शार ले लिया है तो अभी रेडी हो गई हूँ क्योंकि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुर्ती पे ब्लॉग बनाओ, कुर्ती पे ब्लॉग बनाओ, तो आप लोगों को कुर्ती पे ब्लॉग चाहिए था, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज कुर्ती पहन लेती हूँ, तो मैंने ये वाली कुर्ती पहन ली है आज। तो थोड़ा सा है ना अजीब सा लगता है मुझे घर में कुर्ती वगैरह पहन के बहुत ज़्यादा रेडी होके ब्लॉग बनाना, होता है कभी कभी बाहर जाते हैं तो उसके बाद मैं बना लेती हूँ, बट अभी बाहर भी नहीं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो रेडी होके तो कितने दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने सोचा चलो आज रेडी होती हूँ प्रॉपर और ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि रेडी होके भी कितने दिन हो गए होंगे, लॉकडाउन के बाद तो मैं घर पर रेडी हुई ही नहीं अच्छे से। आप लोगों को दिख रहा है कि मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाई जा रही हूँ और अच्छे से रेडी नहीं हो पा रही हूँ, बट आज मैंने सोचा चलो अच्छे से रेडी हो जाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा मुझे देख के, तो इसी वजह से थोड़ा सा ये किया है, मतलब कुर्ती वगैरह पहन लिया, थोड़ा सा मेकअप किया है। मेकअप मीन्स मेकअप तो कुछ भी नहीं है, बट सिर्फ लाइनर वगैरह अप्लाई किया है मैंने, कितने दिन हो गए लाइनर अप्लाई नहीं किया था यार। तो हाँ, मैं अभी ना बनाने वाली हूँ केक क्योंकि बच्चों की डिमांड है, कितने दिनों से उन्होंने केक नहीं खाया, तो बच्चों की डिमांड है कि केक बनाओ करके, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज केक बनाती हूँ और आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जब मैंने केक बनाया था आप लोगों को पता होगा, अगर आपने अपना ब्लॉग देखा है तो आपको पता होगा, पिछली बार मैंने 25 दिसंबर को मतलब क्रिसमस के दिन केक बनाया था, उस टाइम केक बनाया था, बट वो बिल्कुल अच्छा बना था, स्पॉन्जी बना था, सब कुछ हुआ था, बट वो टूट गया था बीच से क्योंकि वेट नहीं किया था, ठंडा नहीं होने दिया था, इसी वजह से वो टूट गया था बीच से, उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, अभी जो भी करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी, अभी तो केक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत अच्छा बना था यार पिछले बार वाला केक, टूट गया था सिर्फ उतना ही था, तो आज मैं केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। और डिनर तो मतलब सुबह की रोटियाँ है, सुबह की रोटियाँ है, तो अभी सिर्फ मुझे सब्जी ही बनानी है, तो वो मैं अब बना लूँगी, पता नहीं आपके साथ शेयर करूँगी या नहीं, बट केक की रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले केक बनाते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैंने बिस्किट को ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है और उसका पाउडर बना लिया है, उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे दूध। एक्चुअली दूध का कैसा है कि जितने आप पैकेट लेते हो बिस्किट के उस पर डिपेंड होता है, तो यहाँ पर मैंने 6 पैकेट लिए थे छोटे वाले, जो क्रीम वाले नहीं आते हैं छोटे वाले 5 रुपये वाले पैकेट, तो वो लिए थे मैंने, उसके लिए मुझे 2 कप दूध लगा था। तो दूध को आपको ध्यान से डालना है उसमें, उसके बाद आपको इनो डाल देना है और कंसिस्टेंसी जैसे मैं आपको बताती हूँ वैसे आपको रखनी है। थोड़ा सा मैंने दूध ऐड थोड़ा थोड़ा दूध करके ऐड किया था और इसमें मैं एक साइड में एक ही डायरेक्शन में फेंटते जा रही हूँ उसे, जब मैंने इनो डाला था उसमें, और इनो जो छोटा पैकेट नहीं आता है वो 1.5 पैकेट लगा था मुझे, तो इस तरह से कंसिस्टेंसी बन जाएगी उसकी। और उसके बाद हमें एक पैन को ग्रीस करना है, मतलब थोड़ा सा घी लगा के मैंने ग्रीस कर लिया था, उसके बाद उसमें वो जो बैटर है वो डाल दिया था,
उसके बाद ना मैंने तवा रखा है गैस पे, और उस पे मैंने ये वाला जो पैन है वो रख दिया है, उस पे एक ढक्कन रख दिया है और उसके ऊपर एक भारी चीज़ रख देनी है ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना आए। और फिर लो गैस फ्लेम पे इसे ऐसे ही छोड़ देना है 40 मिनट्स के लिए। केक बनाने के लिए रख दिया है वहाँ पे, देख सकते हो ये। और हाँ, इसे ना लो फ्लेम पे रखना है आपको, लो फ्लेम पे इसे। तो अगर लो फ्लेम पे 40 मिनट के लिए रखना है आपको ये, तो अरे यार मैं भूल गई, इस पे काजू डालना था। टाइम डाल देना चाहिए था बट मैं भूल गई पता नहीं कैसे। मैंने पहले सोचा था कि जब इस बार बनाऊंगी तो काजू डालूंगी उस पर ऊपर से, तो अच्छा लगेगा, बट पता नहीं कैसे भूल गई। अभी काजू डाल दिए है और हाँ, अभी ना पता नहीं कैसे बनेगा यार। मैं अभी फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम बना रही हूँ। पिछली बार का तो आपको पता ही है कैसे बना था, अभी ये कैसे बनेगा। हाँ, आज ना मैंने बहुत सारे बर्तन क्लीन के लिए यार, बहुत सारे सुबह से जो बर्तन है वो इकट्ठा करती गई। इतने सारे बर्तन थे लंच के और ब्रेकफास्ट के, और ब्रेकफास्ट जो बनाया था उसके भी बहुत सारे बर्तन निकल गए थे। तो मैंने अभी क्लीन किया है शाम को, फिर वर्कआउट किया, फिर मैंने मतलब शावर लिया, तो अभी फ्रेश लग रहे। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं शाम को इतने सारे बर्तन क्लीन करके। एक वो स्टैंड बर्तन का भरा है और ये यहाँ पर भरा है, तो इतने सारे बर्तन थे, मतलब 2 स्टैंड भर गए बर्तन के। इतने सारे बर्तन क्लीन किए आज मैंने। चलिए इसका वेट करते हैं, 40 मिनट के बाद निकालना है इसे हमें। केक तो बन रहा है और मैं बनाने वाली हूँ आज डिनर में मसूर की दाल, और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत सिंपल रेसिपी है। आप लोग कैसे बनाते हो, अलग तरीके से बनाते हो या ऐसे ही बनाते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मैं पहले मसूर की दाल की रेसिपी शेयर करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें ऐड किया है ऑयल। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोई भी मतलब जो आप यूज़ करते हो। उसके बाद मैंने राई डाल दी है और उसके बाद मैंने डाला है जीरा। राई चटकने के बाद जीरा डाल दिया है
और उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इसे अच्छे से चला लेना है, मतलब इसमें क्या बोलते हैं तेल में अच्छे से चला लेना है आपको, ताकि इसकी कच्ची स्मेल चली जाए। अच्छे से फ्राई करना है आपको इसे। उसके बाद आपको इसमें प्याज ऐड कर देना है कटा हुआ, तो उसको भी अच्छे से चला लेना है आपको, मतलब ये गोल्डन ब्राउन होने तक चला लेना है आपको इसे अच्छे से। और उसके बाद आपको ऐड करने हैं उसमें मसाले। यहाँ पर प्याज जो है वो होने लगा है, मतलब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भून लूँगी। और उधर वो जो केक है वो भी बन रहा है मेरा, दूसरे साइड के गैस पर उसे रख दिया है, साथ साथ वो भी बन रहा है और यहाँ पर सब्जी भी बन रही है। और गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद प्याज उसमें मैंने ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और उसमें ऐड किया है थोड़ा सा धनिया पाउडर। उसके बाद जो मसूर की दाल मैंने धो के रखी थी वो मैंने उसमें ऐड की है, और इसमें पानी ऐड कर दूँगी अच्छे से। और इसे आपको ढक्कन नहीं रखना है, इस पर सिर्फ ढक्कन रखना नहीं है, ये याद रखना है, सिर्फ ढक्कन नहीं रखना है आपको, नहीं तो ढक्कन रखने के बाद जो टेस्ट रहती है बिगड़ जाती है इसकी टेस्ट। ऐसे ही इसे पकने देना है आपको, बहुत जल्दी पक जाती है ये वाली दाल और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बना के ज़रूर देखना एक बार। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आप लोगों को पता नहीं पसंद है या नहीं, एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखना, फिर पता चलेगा। थोड़ी देर लगेगा इसे बॉईल होने में, तो थोड़ी देर बॉईल होने देना है, उसके बाद ये पक जाएंगे। तो यहाँ पर हो रही है डिनर करने की तैयारी, तो पहले पापड़ भून ले रही हूँ मैं, इस तरह से भूनती हूँ। कोई कोई फ्राई करता है तो हमारे मेरे घर पे ना, मतलब डेली के लिए फ्राई किए हुए पापड़ नहीं पसंद है, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही भून लेती हूँ पापड़। और यहाँ पर हमारा डिनर हो चुका था, तो बस डिनर के जो बर्तन हैं वो क्लीन कर ले रही हूँ, लगे हाथ क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं, दूसरे दिन क्लीन करने का मन नहीं करता, इसी वजह से लगे हाथ क्लीन कर ले रही हूँ। यहाँ पर केक बन चुका था, बहुत लेट बना था यार केक, तो यहाँ पर केक बन चुका था, नीचे से ना जल गया था थोड़ा सा, मैं मतलब पता नहीं कैसे जल गया था। तो मैंने पिछली बार कढ़ाई में बनाया था, यहाँ पर पतीले में, ये वाले पतीले में बनाया था, तो पिछली बार ना कढ़ाई में बनाया था, तो बनाया था ये वाला तवे पर बनाया ना, तो बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। कढ़ाई में मैंने क्या किया था, वो जो स्टैंड आपको दिख रहा है वो स्टैंड मैंने कढ़ाई में रखा था, और उसके ऊपर मैंने जो पतीला था वो रख दिया था। इस बार ना मैंने ये स्टील के चाय के पैन में बनाया है, बट पिछली बार क्या हुआ था, मैंने वो ढोकले वाले जो नहीं होता एल्यूमिनियम का, उसमें बनाया था, बहुत अच्छा बना था यार। उस टाइप से ट्राई करके देखना, उस टाइप से अच्छा बनेगा, ये वाला मुझे नहीं पसंद आया, ये ना नीचे से जल गया था। और आधा ही हम लोगों को खाने के लिए मिला है, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हुआ है और टाइम भी बहुत लगा है इसे। सो गाइस, डिनर वगैरह हो गया है हमारा, उसके बाद अद्विक का बर्थडे हुआ है, मतलब अद्विक केक ना बहुत लेट हुआ यार, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था। मैंने पिछले बार कढ़ाई में रखा था, इस बार थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे कि मैंने वो तवे पर रखा है, तो मुझे ना अजीब सा लग रहा था कि यार केक कब होगा कब होगा। हम लोगों ने वेट किया पहले, फिर उसके बाद खाना खा लिया, फिर भी वेट कर रहे थे, वो ही नहीं रहा था, तो फिर हम लोगों ने निकाल लिया वो। मतलब टेस्ट बहुत अच्छी थी, टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा, लेकिन नीचे से ना जल गया था वो, तो इसी वजह से ऊपर ऊपर का हमने आधा लिया, आधा कट किया, और फिर ना थोड़ा सा वो अद्विक को काटने के लिए बोला, अदमाही ने काटा, खाया हम लोगों ने, अच्छा था केक, अच्छा था, टेस्ट अच्छी थी उसकी। तो ऐसा हुआ है, मतलब दोबारा मेरे साथ ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहना चाहिए, जो भी चीज़ नहीं आती है ट्राई करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन तो आएगी। अभी तो मैं इसके पीछे ही लगने वाली हूँ, जब तक मुझे केक नहीं आता है तब तक मैं ट्राई करती रहूँगी परफेक्ट केक आने तक। और हाँ, मैं एक बात शेयर करना चाहती थी आपसे, एक बंदी है जो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है उससे, वो ना हर वीडियो में कमेंट कर रही जा रही है पिछले वाले कि आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, आपकी आवाज़ मुझे पसंद नहीं है, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, ये वो। अरे यार, आपको इतना ही प्रॉब्लम है मुझसे, तो आप मत देखिए मेरे ब्लॉग, मैं यही बोलूँगी आपको कि आखिर में मेरे ब्लॉग मत देखिए आप। अगर मैं आपको सच में पसंद आती हूँ तो आप मेरे ब्लॉग देखिए, वरना आप बिल्कुल मत देखिए मेरे ब्लॉग, बिल्कुल आपको मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ ब्लॉग देखने के लिए, आप स्किप कर दिया करिए या आप क्लिक ही मत किया करिए मेरे ब्लॉग पे। लोग तो ऐसे है कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है सिर्फ डिसलाइक करने के लिए, तो ऐसे भी लोग होते हैं। पहली बात तो आपको बता देती हूँ मैं,
कि मैं आपके लिए व्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैं जो मुझे पसंद करते हैं उनके लिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। ऐसा होता है कि मैं एक दिन व्लॉग नहीं बनाती हूँ तो मुझे कमेंट आना शुरू हो जाते हैं कि दीदी आपका व्लॉग क्यों नहीं आया, दूसरे दिन व्लॉग नहीं बनाती हूँ, अभी दो दिन कंटिन्यू व्लॉग नहीं डाला था तो कमेंट आने शुरू हो गए थे कि आदि आपको हम लोग मिस कर रहे हैं, आपको आपके व्लॉग को मिस कर रहे हैं, प्लीज़ आपका व्लॉग अपलोड कर दीजिए, आपका व्लॉग क्यों नहीं आया है। तो अच्छा लगता है दिल से कि लोग पसंद करते हैं, लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यही आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, जो मेरे व्लॉग का वेट कर रहे हैं उनके लिए मैं व्लॉग बनाती हूँ। उनके एक लाइक करने से मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ मैं एक लाइक से। और जो डिसलाइक करने वाले हैं वो डिसलाइक तो करके ही जाएंगे, उनको मैं कितना भी बोलूँ वो डिसलाइक तो करके ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब ही इसी वजह से किया है कि वो डिसलाइक ठोक के जाए मेरे वीडियोज़ पर। जो लाइक करने वाले बहुत सारे हैं इसी वजह से मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आपके डिसलाइक से। तो ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि मुझे डिसलाइक से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे लाइक करने वाले इतने सारे हैं कि आप देख लीजिए मेरी ब्लॉग पे लाइक कितने आते हैं और डिसलाइक कितने आते हैं। और हाँ, रही वॉइस की बात, तो वॉइस तो अभी चेंज नहीं कर सकती हूँ मैं। दूसरी बात, अगर होती मुझ में कोई कोड होती या मुझे कोई चीज़ आती नहीं तो वो मैं चेंज कर सकती थी, लेकिन मैं आवाज़ कैसे चेंज करूँ यार, मुझे वॉइस सर्जरी करनी पड़ेगी आपके लिए, मैं वॉइस तो चेंज नहीं कर सकती, जैसा है वैसा ही आपको देखना पड़ेगा और जैसे हूँ मैं वैसे ही आपको पसंद करना पड़ेगा। नहीं तो प्लीज़ मत देखिए आप मेरे ब्लॉग, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप मत देखिए ब्लॉग। और अगर आपको मोटिवेट करना नहीं आता ना किसी को, तो आप डीमोटिवेट मत करिए किसी को। कोई बंदी इतनी मेहनत कर रही है, मतलब ब्लॉग में एक ब्लॉग डालने के लिए कितनी मेहनत लगती है आपको नहीं पता है। आप एक बार कैमरा लीजिए, आप बोलिए कैमरा पे और आप एक ब्लॉग अपलोड करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है। पहले ब्लॉग बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या डाले आज, उसके बाद एडिट करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी प्रोसीजर होती है, बहुत सारी प्रोसीजर होती है यार। आप एक बार करके देखिए तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है, ब्लॉगर कितनी मेहनत करते हैं, ब्लॉगर को क्या क्या सहना पड़ता है। आपको एक ब्लॉग मिलता है इतनी मेहनत करने के बाद, उसमें भी आप डिसलाइक करके जाते हो और ऐसे ही वही आप कमेंट करके जाते हो। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं दिन भर, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो। इतना ही कहना चाहती थी। और हाँ, चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।